किया, लोगों में इसका विश्वास खत्म हो गया है। मणिपुर में आप देखें कि मणिपुर में पिछले 2 महीने से लगातार खाना जंगी हो रही है और लोग मर रहे हैं। एक तरफ से इतने इतने बड़े क्लेम करने वाले मोदी जी वर्ल्ड टूर कर रहे हैं और अपने घर में लोग जल रहे हैं, लोग मर रहे हैं। इसी तरह से महंगाई आपने ये देखा पिछली इलेक्शनों में कि चाहे वो हिमाचल की इलेक्शन हो, चाहे वो कर्नाटक की इलेक्शन हो, मध्य प्रदेश इसमें चाहे वो मध्य प्रदेश की हो और अभी महाराष्ट्र में किस ढंग से हॉर्स ट्रेडिंग करवा के खरीदो फरोख्त करा के जो अपोजिशन पार्टियां हैं उसको तोड़ के और लोगों का जो बडिक्ट है, जो लोग वोट देते हैं अपोजिशन पार्टी को, लोग वोट देते हैं शरद पवार को, लोग वोट देते हैं कांग्रेस को और उसके MLA खरीद के ये लोगों के ऊपर एक अपनी सरकार जो है और लोग इस टाइम पूरे तंग पड़ गए हैं महंगाई से बाकी चीज़ों से। इसलिए इस जो फैसला है इसकी ये अनजस्टिफाइड है और हम इसको लेके लोगों में जाएं। अगर सर कोर्ट के फैसले के बाद भी अगर फैसला नहीं बनना जाता फिर क्या स्टेप रहेगा? लोगों में जाएं, लोग सबसे बड़ी दर्द लोग हैं, लोगों में जाएंगे और 2024 में हम भारतीय जनता पार्टी को मोदी जी को लोग बाहर का रास्ता दिखाएंगे। क्या लगता है अभी लोग जागे हुए नहीं? लगातार कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के बाहर इस समय राहुल जी संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ, राहुल जी राहुल गांधी जो है उनको जो लगभग उनके जहाँ पे जम्मू की यहाँ पे पार्टी इस समय प्रोटेस्ट करते हुए नज़र आ रही है। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल जी संघर्ष करो, राहुल जी संघर्ष करो, गांधी के फेवर में समय देख सकते कि तो लोग नहीं मानते, यहाँ पे देख सकते हैं कि राहुल गांधी आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं, जहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं कि कांग्रेस उनके ऊपर जो मानहानि का दावा किया गया था, 2 साल की सजा सुनाई गई थी उसके ऊपर, जो आज कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के बाहर जो है कार्यकर्ता जो है संघर्ष करते हुए मानहानि का दावा उसे बंद करो, आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं, बिल्कुल आपको तस्वीरें फिर से दिखाने की कोशिश करेंगे। आज किसके बारे में पूछ रहे हैं? जो राहुल गांधी जी का, हाँ जी, आज तो हम रूटीन में अब मैसेज आया पीछे से तो अब सॉरी जो प्रोटेस्ट का कारण क्या था तो देखो ये जो राहुल गांधी के खिलाफ जो फैसला हुआ एज ए नॉर्मल सिटीजन पूरे हिंदुस्तान के देशवासी ये महसूस करते हैं कि वो गलत हुआ। राहुल गांधी जी का कोई इतना क्राइम नहीं था, इतना कसूर नहीं था जिसमें कि ये इस दो साल जो जिसपे वो आए सजा दी जाए और फिर ऊपर का कोर्ट होता है इंसाफ देने के लिए, नीचे का कोर्ट ने कहा और हाई कोर्ट में भी वही हो रहा है। मैं महसूस करता हूं कि एज ए सिटीजन और लोग महसूस कर रहे हैं कि ये जो फैसला है ये मुनासिब नहीं है, अनजस्टिफाइड है और इसकी अपील तो आगे की जाएगी, लेकिन ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी है भारतीय जनता कहीं ना कहीं महसूस कर रहे हैं कि जुडिशरी पे भी कहीं पीछे से प्रेशर है। न्यायालय के फैसले पर आप सवाल उठा रहे हैं, क्या न्यायालय पर आपको भरोसा नहीं है? नहीं, न्यायालय ये तो लोगों का न्यायालय, आप देखो लोग बड़े लोग सबसे बड़ा लोग हैं, लोग न्यायालय सबसे बड़ा जज हैं, लोग महसूस कर रहे हैं कि अनजस्टिफाइड केस बना हुआ, चार्जेस अनजस्टिफाइड है, जैसे अंग्रेजों के टाइम लगते थे उस टाइम के भी न्यायालय थे
और लेकर उन पे भी प्रेशर था, तो हम महसूस करते हैं कि न्यायालय पे भी प्रेशर है अनजस्टिफाइड, क्योंकि इस तरह के नुक्ताचीनी आप भी महसूस करते हैं प्रेस भी, कि लोग स्टेज पे छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, एक दूसरे के खिलाफ होती रहती है, और सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी करता है। आज दो लफ्ज़ उन्होंने कहा राहुल गांधी ने, कोई किसी के शान के खिलाफ नहीं कहा, किसी का नाम लेके नहीं कहा, जो चोर हैं वो चोर है, उसको चोर कहा, चोर को चोर कहना चाहिए, जितने भी चोर थे सारे देश की संपत्ति लूट के बाहर चल गए, उनको भी चोर नहीं कहें तो किसको कैसे चोर करेंगे। इसलिए इस तरह से इस्तेमाल एजेंसियां इस्तेमाल करके तो इस तरह से हरास कर रहे हैं अपोजिशन को, उसकी हम जवाब दें। देखिए राहुल गांधी ने ऐसा क्या बोल दिया था कि आपने उनको 2 साल की सजा सुना दी? डिफेमेशन एक जो है वो स्लैंडर माना जाता है, वो क्रिमिनल ऑफेंस नहीं, स्लैंडर में आता है जो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन आज आपके माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि ये बीजेपी घबराई हुई है, जिस प्रकार से भारत जोड़ो यात्रा का असर देखने को देश में मिला, उसके बाद आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने यहां पे कर्नाटका के अंदर कांग्रेस पार्टी ने जीत दी, अभी जो आगे आने वाले 5 राज्यों के चुनाव हैं उसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने वाली है, बीजेपी घबराई हुई, उनको पता है कि विपक्ष का अगर कोई मुख्य चेहरा है वो राहुल गांधी जी है, इसलिए उनको प्रताड़ित करने का और मुद्दों को भटकाने का काम किया। लेकिन इन चीजों से हम पीछे हटने वाले नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में और आगे भी जैसे भी हमारे अभिषेक मनु सिंघवी जी 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उसमें जिस प्रकार से दिशा निर्देश होगा हम अपनी कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और राहुल गांधी जी बाहर आएंगे और इनसे लड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी के शासन से। तो देख सकते हैं, फिर बता दूं आपको कि ये मामला जो है राहुल गांधी से जुड़ा हुआ मामला है, 2 साल की सजा सुनाई गई, उसके चलते लगातार कानून का दरवाजा जो है वो साफ तौर पे जो तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे आज जम्मू में कांग्रेस पार्टी के कुछ मेंबर्स कुछ नेता जो थे वो तो आपको बता दें कि जम्मू के नेता जो हैं वो लगभग इस समय कुछ कार्यकर्ता पार्टी के मेंबर जो हैं इस समय प्रोटेस्ट के लिए निकले थे और यहाँ पे जो है राहुल गांधी को 2 साल के कारा जो सज़ा सुनाई गई है उसके विरोध में जो है ये प्रोटेस्ट किया गया और पूरा क्या फैसला निकलता है। और उसके अलावा आपको बताना चला कि 2 साल की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस समय अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे दो साल की जो सज़ा सुनाई दी गई थी उसमें बेल लेने या स्टे लेने से इनकार कर दिया गया, उसी के रोष प्रदर्शन में आज कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के बाहर यहां पे इन्होंने प्रोटेस्ट किया और शांत में प्रोटेस्ट था जिसमें राहुल गांधी आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं और आगे की तस्वीरें जो आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस वार्ता बताई जा रही है, अगर वो 3 बजे होती है तो उसमें क्या फैसला लिया जाएगा, किस तरह की बातचीत आगे होगी हम आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वेरा सिटी न्यूज़। धन्यवाद। जय हिंद।